ये कितना किलो का है? ये 10 किलो है, ये 10 किलो। अगर यहाँ से गिर जाए तो क्या होगा? यस यस रोड थ्रो, यहाँ पे एक जाते और यहाँ एक जाते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की मेरी गुड मॉर्निंग काफ़ी जल्दी हो चुकी है ना, ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। 9 बजे मेरे आँख लगी थी, तो देख सकते हो आप कितने बजे खुल गई है। ऐसा फर्स्ट टाइम ना ऐसे होता है, लेकिन बहुत कम बार होता है ऐसे, लेकिन हो गया आज। वैसे मेरी मॉर्निंग जल्दी हो जाती है, हर रोज़ 7 बजे उठता हूँ मैं, और 7 बजे उठ के एडिट करता हूँ मैं। और आज भी सेम किया, 7 बजे उठ के 8:45 बजे तक अपना काम ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ही मैं लेट गया, तो फिर देखो अभी जल्दी जल्दी मैं तैयार होता हूँ, फिर मुझे काम करने। यार आज का शेड्यूल एकदम बेकार जाएगा वरना। बाय द वे, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ए फ्यू मिनट्स लेटर। चलो रेडी हो चुका हूँ मैं, अभी 1:45 बज चुके हैं। और आज का प्लान लिटरली, यार मुझे ही नहीं पता आज क्या करने वाला हूँ मैं, क्योंकि बात ऐसी है कि सुबह का प्लान था 5 बजे निकलना था फूड पे, पूरा हमारा ग्रुप ही था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि फिर आज का पूरा दिन वेस्टेज हो जाता, क्योंकि पूरा दिन जाना था हमें और मेरे काम भी नहीं बन पाते, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो अभी क्या प्लान है ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा आज। वैसे तो रेगुलर ही होगा जो भी होगा, लेकिन फिर यार वही ना, बार 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 रोज रोज नया नहीं दिखा सकता ना भाई, तो बस वही दिक्कत है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ अलग दिखाने का आपको, तो लेट्स सी आज भी कुछ अगर अलग हो पाए तो फिर ट्राई करूँगा मैं आज अलग दिखाने का। बस आप व्लॉग को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा करो। मुझे एक टॉपिक मिल गया है, मैं आपको रमेश के घर पे लेके चलता हूँ। तो पहले मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट तो नहीं करूँगा अभी, सीधा मैं लंच कर लेता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ उसके घर पे। चलो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं अपना ड्राइंग चालू कर लेता हूँ। अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 3:10, तो स्टार्ट करते हैं। अब किसी किसी को पता चल गया होगा ये किन की पोर्ट्रेट बना रहा हूँ मैं सिर्फ आउटलाइन बना के लूँगा, फिर उसके बाद जब भी शेडिंग करने के बारे आएगी तब अपन टाइम लैप्स करेंगे, फिर उसमें आपको दिखाई देगा मैं कैसे शेडिंग वगैरह करता हूँ। तो लेट्स सी, अभी मैं चाय पीता हूँ, फिर चाय पी के जाता हूँ रमेश के घर पे, फिर वहाँ पे थोड़ा मुझे काम भी उसके पास, फिर बातचीत भी चलेगी अपनी, फिर शाम को रिटर्न आता हूँ, फिर आगे का जो भी देखोगे। आज मैं कितना लेट उठा था ना, लेकिन फिर भी अभी मुझे नींद आ रही है, और इसलिए मैंने ड्राइंग भी छोड़ दिया। और अभी चाय पी के मैं चलता हूँ रमेश के घर पे, थोड़ा काम करेंगे। चाय पी के नहीं जाएगी नींद, जाएगी ना। चलो चल के आता हूँ। आज वैसे ठंडी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ठंड लग रही है। कितना किलो का? ये 10 किलो है, ये 10 किलो। ये कितना किलो है? ये 3 किलो है, 3 किलो है। ये 10 किलो, ये 13, 26 किलो। हाँ, 26 किलो उठा पाएगा भाई आराम से? क्या बात कर रहा है, नहीं अभी प्रैक्टिस ले रहे हैं, आराम से इतना तो उठा लेते हैं। हाँ क्या, और चेस्ट पे उठाना पड़ता है, चेस्ट पे ऐसे, चेस्ट पे। हाँ ऐसे भी इसको ऐसा लग रहा है भाई, तूने यूज कर रहा, देख कितना गंदा, कितना खराब हो गया यार। लेकिन रमेश तेरे घर से व्यू काफी बढ़िया आता है, उधर से तो और अच्छा आता है। देखो यार ये इनके पास स्विमिंग पूल है ना यहाँ पे। हाँ। देखो वहाँ पे स्विमिंग पूल है, लेकिन आज तक कोई गया नहीं, अलाउड नहीं करते बिल्कुल। क्या मतलब है ना भाई, पहले रमेश इस वाले बिल्डिंग में रहता था, फिर रमेश ने यहाँ पे फ्लैट लिया, फिर यहाँ का बुकिंग कैंसिल करके यहाँ पे ले लिया। अगर यहाँ से गिर जाए तो क्या होगा? देखो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चालू है ना, हम 11th 12th में थे, लगभग 4-5 साल पहले की बात है, नहीं उससे भी ज़्यादा, 6-7 साल हो गए तब भाई ये कंस्ट्रक्शन चालू किया था ये वाला, ये
ये वाला पुणे का सबसे पहला ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन अभी तक वो नहीं बन का पाया। सबसे पहला ई लर्निंग स्कूल है भाई। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ पूरा ये होने वाला है, मतलब बुक्स नहीं इसमें अलाउड, यहाँ पे कंप्यूटर का होगा पूरा। खतरनाक है। नीचे वॉकिंग, हाँ ठीक है, वॉकिंग करते भाई, भाई की इच्छा है वॉकिंग करने की। इस वक्त कितने बज चुके रे? 5:13। देखो यार ऐसे करते, जिम का बोल दिया तो एक बार भाई बोलता है घर पे करेंगे, एक बार बोलता है जिम लगाते 1 तारीख को, लेट्स सी। आओ ना। यस यस। कभी इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, व्लॉगिंग ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इन्होंने स्टॉप लिया है। क्या नाम है? राज मेहरा व्लॉग्स। राज मेहरा व्लॉग्स। आपका? मेरा दो ओम ब्लॉग। दो ओम ब्लॉग, ओके भैया को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर दे। चलो अभी हम लोग कोल्ड कॉफी पीने के लिए आए रमेश और मैं। है क्या भाई? रमेश मेनू देख रहा है, वहां पे ऊपर तो लिखा है ना कोल्ड कॉफी अवेलेबल। मंगवाई है कोल्ड कॉफी विद क्रश, हमने मतलब भाई ने मंगवा दिया है मेरे से पहले, ये ज्यादा शौकीन है कोल्ड कॉफी का। भाई नजारा भी काफी शानदार है यहाँ का ना, वहाँ पे कब रास्ता बन गया पता नहीं चला, और वहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा है, मतलब गड्ढा नहीं एक्चुअली, वो अंडरग्राउंड काम चालू होने वाला है यहाँ पे, और सामने अपन रहे थे वहाँ पे। भाई आ गए अपने कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी विद क्रश, कितना जल्दी खत्म। देख यहाँ तक ही अभी तक ये व्लॉगिंग के चक्कर में यही दिक्कत होती है। हवा देखो यार कितना मस्त आ रहा है ना, इधर आएगा खुला मैदान ना, एकदम खुला खुला जगह है, देखो एकदम खुला 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 बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। हाँ ये बिल्डिंग देखो आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बिल्डिंग का ऑलमोस्ट मुझे काम मिल गया था भाई, मैं हाउसकीपिंग का काम लेता था पहले, और अभी यहाँ से बस भी चालू हो गया, हमें पता नहीं था, अभी जस्ट देखा तो फिर रमेश भाई अपना बोल रहा है देख के आते। कहाँ तक भाई? बहुत दूर तक है वो, चल जाके आते, थोड़ा जाते ना। हाँ थोड़ा जाते। अरे अंदर के रोड भाई, यहाँ तक रोड है, फिर वो यहाँ पे एक जाते है और यहाँ एक जाते है। One hour later. Hey guys, अभी आ चुके हैं घर पे, अभी मतलब काफी टाइम हो चुका है और अभी 9:30 बज चुके हैं, तो मैं डिनर कर लेता हूँ। वैसे आज काफी मजा भी आ गया, दादी अपने टीवी देख रही है। मम्मी खाना खा लिया? खा लिया बाबा। हाँ मुझे सिर्फ राइस ही चाहिए आज, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो कोल्ड कॉफी से बहुत पेट भरता है। हे गाइस, मैंने जो रिसेंटली ड्राइंग बनाई थी उसकी रील मुझे बनानी थी 2 दिनों से, लेकिन मैं भूल रहा था, तो अभी याद आ गया तो आपको भी बता रहा हूँ। अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैंने अपलोड किया होगा, जिसने नहीं देखी वो लोग जाके देख लो रील, तो पोस्ट करता हूँ। अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 11:13, और करते फिर इस वाले ब्लॉग को यही पेंट। आई होप आप लोग का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।